अल्लाह एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब खेरे से होंगे हाँ जी तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सीरियसली मुझे आप लोगों की बहुत सी क्वेरीज आती हैं उस पर भी तो आज हम बात करेंगे हाउ टू चेंज योर लाइफ सो उसके लिए जो बेस्ट चीज़ है वो है गिव योर सेल्फ सिक्स मंथ्स टाइम टू चेंज योर लाइफ क्योंकि ये देखें चेंज एकदम सडन नहीं हो सकता जैसे आज आप उठी और आप कहें कि जी मैं अपनी जिंदगी को चेंज कर दूंगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता अपनी जिंदगी को पॉजिटिविटी की तरफ चेंज करने के लिए आपको कम से कम अपनी लाइफ अपनी जिंदगी को छः महीने का अपने आप को छः महीने का टाइम देना है ठीक है और उन छः महीनों में आपने क्या करना है उस पर हम आज बात करेंगे आता है टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी मुझे आपकी इतनी क्वेरीज़ आती हैं वेट रिड्यूस करना है आपने किस तरह कर लिया क्या किया आपने तो मैं आपको एक बाबत हूँ सिंपल चीज़ मैंने की है मैंने बहुत हेल्दी तरीके से किया है कि मैं रात का खाना नहीं खाती मैं फ्रेंकली स्पीकिंग बिल्कुल रात का खाना नहीं खाती मैं जो खाना खा रही होती हूँ ना मैं सिर्फ सुबह और दोपहर का खाती हूँ और शाम को जब मैंने चाय के साथ कोई बिस्किट ले लिया दैद सेट उसके बाद मैं रात का खाना स्किप कर देती हूँ और ये बहुत अरसे कर रही हूँ लेकिन उसका इफेक्ट ये है क्योंकि मैं घर के काम शाम करती रहती हूँ मैं हिलती जुलती रहती हूँ अभी तो खैर मैंने वॉक भी स्टार्ट किए हुए हैं अभी तो खैर रमजान है आप वैसे भी सारा दिन कुछ नहीं खाते लेकिन मैं सिक्स मंथ्स के टाइम पीरियड की बात करें तो उसमें आप एक काम कर सकते हैं रात का खाना स्किप कर दें या खाएं भी तो बहुत हल्का फुल्का खाएं उससे ये होता है कि आपकी बॉडी टोन अप होना शुरू हो जाएगी आपकी बॉडी जो है ना चेंज होना शुरू हो जाएगी और आप एक हेल्दी वे में स्टार्ट हो जाएंगी जैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती मैं शुगर नहीं खाती एज यू नो आई एम अ डायबिटिक पेशेंट बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मुझे अपने हेल्थ को बेस्ट बनाना है और उसमें बॉडी बेस्ट मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो अपनी हेल्थ को अपनी बॉडी को इम्प्रूव करें इन छः महीनों में अपने आप को टारगेट दें कि मैंने इतना वेट कम करना है छः महीने में बहुत फास्ट नहीं पर स्टार्ट कर देनी कि जी मैं ये कर लूँगी तो मैं वो कर लूँगी नहीं आपने एक काम करना है कि आपने छः महीने के बीच में आपने अपने को एक टारगेट देना है कि मैं ये 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 काम करने मैंने मैंने इस तरह इस तरह से अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये करनी है कि मैंने रात का खाना स्किप कर दिया मैंने अपनी पहले तो सारे टेस्ट करा लें इन ताला मैं आप लोगों के साथ अभी जब रमज़ान ख़त्म हो जाएगी तो एक प्रॉपर वे से जो है ना अपनी जो है ना सारे टेस्ट कराऊंगी और उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अपने टेस्ट्स भी कि मेरे किधर किधर है क्योंकि आई एम हैविंग फेसिंग अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज़ तो आई विल वर्क ऑन माई बॉडी लाइक सिक्स मंथ्स का मैं टाइम दूँगी अपने आप को ताकि मैं अपना एक तो जितनी भी लाइक like, मेरे शुगर का भी है कोलेस्ट्रॉल भी है इन सबको मैं अपने कंट्रोल में लेकर आऊँ और फिर जो है ना वी विल वर्क इट और वर्क ऑन इट के सारी चीज़ें अपनी जगह पर आ जाए तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि छः महीने में सबसे पहले तो आपने अपनी बॉडी पर अपनी हेल्थ पर काम करना है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेक केयर ऑफ योर माइंड कैसे देखें माइंड में दस करोड़ चीज़ें चल रही होती हैं ये भी करना है ये भी करना है फलाने ये बोल दिया डिमकाने ये बोल दिया उसके कपड़े अच्छे थे उसके फला चीज़ अच्छी थी आपने अपनी मेंटल हेल्थ की ना तबाही मचाई दी है सो द बेस्ट चीज़ क्या करना है छः महीने में देखें आपकी सेहत तभी ठीक हो सकती है ना आपको मैं नॉर्मल मिसाल बताऊंगा किसी दिन मेरी प्रिश, मैं परेशान हूं तो मेरी शुगर हाई हो जाती है तो बॉडी के साथ साथ आपके माइंड का आपकी बॉडी पे कितना बड़ा वो कहते हैं ना आपकी सेहत पे आपके जिसम पे हर चीज़ पे माइंड का जो है ना वो इतना बड़ा काम है तो जब मैं अपने माइंड को रिलैक्स रखती हूँ मैं नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाती मैं सोचती भी नहीं हूँ कि कौन सी चीज़ क्या हो रही है कौन क्या कर रहा है किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है आई एम लीस्ट बॉदर्ड कि वो जिंदगी में लोग क्या कर रहे हैं या किसी ने मुझे कुछ कह दिया मैं नेगेटिविटी से बहुत दूर भागती हूँ अगर इन केस मुझे फील होता है द पर्सन जिससे मैं बात कर रही हूँ या जो भी बंदा है वो बहुत नेगेटिव है ना तो मैं ना बहुत टर्म्स कम कर देती हूँ जहाँ मुझे थोड़ी सी फीलिंग आती है ना कि नेगेटिविटी है सो so, इम्पॉर्टेंट है कि अपने जिसम के साथ आपने अपने माइंड को भी रिलैक्स रखना है जब छः महीने आप अपने माइंड को एक ट्रेनिंग देंगे ना तो छः महीने बाद बिलीव मी आप बॉडी और आपका माइंड उस चीज का अम्यून हो जाएगा फिर वो नेगेटिविटी से खुद ही दूर भागना शुरू कर देगा तो अच्छी सेहत अच्छी जिंदगी अच्छा अपने आप को ग्रूम करने के लिए अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए ना जो मेन इंपॉर्टेंट चीज अपने माइंड को रिलैक्स रखना है तो यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर माइंड इन कमिंग सिक्स मंथ्स आपने छः महीने का अपने आप को टारगेट देना है कि मैंने अपने माइंड को रिलैक्स रखना है अपने माइंड को अच्छा रखना है नेगेटिविटी से दूर भागना है और ऐसे लोग जो मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो कोई भी हो सकते हैं आपकी ससुराल हो सकती है आपके बहन भाई हो सकते हैं इवन uh, पेरेंट्स हो सकते हैं समटाइम्स आपके कुली हो सकते हैं तो आपने ना उनसे इंटरेक्शन थोड़ा सा कम कर लेना है क्योंकि ऐसे ब्लड रिलेशन तो खत्म नहीं हो सकता बट ये कि कम कर लें ताकि अपना मेंटल पीस ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना कि दूसरों की बातें सुनो बाद में कुड़ते रहो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज टेक केयर ऑफ योर सोल मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊं ना तो मैं पहले इससे नमाज में रेगुलर नहीं थी बट अब भी ना मुझे लगता है कि सोल की खुराक क्या होती है नमाज आप जब परेशान हो आपने अपने आप को फील करें कि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ मैं बहुत डाउन फील कर रही हूँ आप नमाज़ पढ़ लें आप कुरान पढ़ लें कुरान का तर्जुमा पढ़ लें तफसीर पढ़ सुन लें जो आपको लगता है ऑथेंटिक लोग हैं उनकी उन, उनकी बातें सुन लें आपको इतना पीसफुल फील होगा ना तो आपने जिसम माइंड और उसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी रूह की सलाह करनी है अपने रूह को पाक साफ करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपने अल्लाह से रजू करें कोई परेशानी है बिलीव में किसी इंसान को बताने की ज़रूरत नहीं है कोई इंसान आपकी हेल्प नहीं कर सकता सिवाए अल्लाह की सिवाय अल्लाह की ज़ात के आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता दिस इज वट आई बिलीव परेशान है सजदा करें और सजदे में मतलब नमाज पढ़ें नफल पढ़ें परेशानी के लिए और उसके बाद जो है ना सजदे में अल्लाह के सामने रोए अल्लाह के सामने गिड़गड़ाएं ना अल्लाह ताला जजमेंटल है ना अल्लाह ताला ने आपको आ, जो है ना वो ऐसे एक कान से सुन के जैसे लोग करते हैं ना बात आ रहे होते हो तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देने नहीं आपने हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ दी ना अगर परेशानी है आपकी जिंदगी में तो सबसे बेस्ट रेमेडी या सबसे बेस्ट चीज़ जो आपकी इनर सोल को पीस देगी वो है अल्लाह ताला से अपनी बॉन्डिंग बढ़ाना ठीक है अल्लाह ताला से बात करें दुनिया से बात करने की क्या ज़रूरत पड़ी आपको आपने जब आपका दिल चाहता है अल्लाह आपसे बात करे आप कुरान का तर्जुमा आप यूट्यूब पर लगा लें मैं लगा लेती हूँ यूट्यूब पर तर्जुमा लगा लें सुनते रहें आपको लगेगा अल्लाह आपसे बात करें जब आपका दिल चाहता है कि आप अल्लाह से बात करें तो जस्ट बैठे नमाज पढ़े और उसके बाद अल्लाह से बातें ही करते जाए सारी शिकायतें सारे दिल की भड़ास निकालें ना तो गिरबत में आएगा ठीक है ना वो जो कहते हैं ना आप किसी को अपने दिल किसी की बात बताएंगे तो वो गिरबत में ही आएगा ना अल्लाह के साथ तो आप गिरबत नहीं कर रहे ना आप तो अल्लाह को अपना दुख बता रहे हो तो अल्लाह से अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करें अपनी बॉन्डिंग अल्लाह के साथ जो है ना आपने स्ट्रॉन्ग करनी इंसानों के साथ नहीं इन तीन चीजों के बाद माइंड योर बॉडी एंड योर सोल के बाजू में इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सेल्फ लव या सेल्फ केयर हम क्या करते हैं हम घर के कामों में ही लगे रहते हैं हमें बस ये भी फिक्र हो रही है फलान चीज़ ने उसने यह कर दिया फलाने उसने कर दी नहीं आपने अपनी केयर भी करनी है अपने स्किन केयर करें अपनी कपड़े अच्छे से बनवा लें अच्छे से मीन्स कोई जैसे एक खुशी होती है ना आपको सेल्फ केयर करने के बाद वो करना शुरू कर दें फील कर रही हैं कि पैर थोड़े गंदे हो गए अच्छे से पैडिक्योर कर ले अपने हाथ में कर लें अच्छे से क्रीम्स लगा लें अपने मुंह पे कोई नाइट क्रीम खरीद लें डे केयर खरीद लें मतलब अपने ख्याल रखना आपका अपना काम है कोई सीरियसली नो बडी विल कम इवन योर हस्बैंड विल नॉट आस्क यू कि तुमने अपनी सेल्फ केयर की या अपने आज जो है तुमने अपने लिए कोई अपने मुंह पे कुछ लगाया नहीं नो बडी नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू अपने लिए करें अपनी खुशी के लिए करें अपनी सेल्फ केयर करें किसी के लिए ना करें अपने आप के लिए करें बिलीव मी यू विल फील सो गुड आपको इतनी यानी कि छ महीने जब आप अपनी स्किन केयर करेंगी ना तो आपको छ महीने बाद खुद फील होगा कि मेरी स्किन कितनी अच्छी हो गई है जैसे बहुत से मुझे मैसेज आते हैं ना अबाउट स्किन केयर कि आप हमें बताएं कि हम अपनी स्किन केयर किस तरह करेंगे ना आफ्टर थर्टी फाइव आपको तो बहुत वो कहते हैं ना कि रेगुलरली अपनी स्किन केयर करनी चाहिए और मैं तो मुझे तो याद भी नहीं है कि कितने सालों से मैं ना, नाइट क्रीम्स एंड डे क्रीम्स लगा रही हूँ बहुत सालों से और वो, उसका अफेक्ट आपको तब पता चलता है जब आप अपने एज फेलोज को देखते हैं और उनकी स्किन ख़राब होती है तो अपनी स्किन केयर करें क्योंकि मेरे बहुत मेरे जो जितने व्यूवर्स हैं ना वो डिफरेंट एज ग्रुप्स के हैं माई डॉटर उसको पता है उसने अपनी स्किन केयर करनी क्योंकि उसने अपनी माँ को देखा करते हुए अपनी स्किन केयर आपने खुद करनी है अपनी सेल्फ केयर खुद करनी है उसमें कपड़े सिलाएं अपने लिए जो खुश जो चीज़ आपको खुशी देना वो जरूर किया करें तो छः महीने के टाइम देना है आपने अपनी अच्छी सी से सेल्फ से केयर करनी है ताकि आपकी जिंदगी जो है ना उस चीज़ की आदि हो जाए प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहती हूँ कि अपने आप को एक छः महीने का टाइम दे जो एप्स जो आपकी जिंदगी का टाइम वेस्ट करते हैं ना उन एप्स को डिलीट कर दें विच इज वेरी इम्पॉर्टेंट जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टिकटॉक <laughs> पता नहीं मुझे ना टिकट नहीं अच्छा लगता मैं उस पर मैंने शायद कुछ दो दिन मींस मेरे पास होगा एंड उसमें मैंने रीले देखने और वो क्या होता है उनकी स्टोरीज होती है जो भी उसमें आपको फील ही नहीं होता कि किधर पहुंच गए क्या पहुंच गए या फिर कुछ ऐप्स होते हैं जैसे गेम्स वाले ऐप्स होते हैं मेरी एक फ्रेंड को एडिक्शन थी गेम खेलने की और मैंने ख़ुद भी फार्म वाला बहुत खेला जिस जिसने फार्म वेला खेला ना नीचे ज़रूर बता दें बहुत पुरानी बात है बट फार्म वेला मुझे इतनी अडिक्शन थी और फिर अब मुझे फील होता है यार मैं कितना टाइम वेस्ट करती थी उस पर सो so, अब आपकी ज़िंदगी का अगर एक घंटा भी किसी एक मीन ऐप ने ले लिया ना तो आप समझे कि आपने दिन के एक घंटा एंड uh, साल के 360 घंटे आपने उसको दे दिए वो बड़ा प्रोडक्टिव टाइम है अपनी जिंदगी में बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं सो so, ऐसे ऐप्स जो आपके लिए फजूल हों और आपकी टाइम वेस्ट करते हैं उनको बिलीव ब्ली, मी डिलीट कर दें अपनी लाइफ से और अपने फोन से ब्लॉक द नंबर्स हाँ जी ब्लॉक द नंबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको फील होता है कि अननेसेसरी लोग हैं और ये मेरी मेंटल हेल्थ के लिए मेरी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं उनकी स्टोरीज देखना या उनको अपनी स्टोरीज दिखाना फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत से लोगों को होता है कि जी ये स्टोरी मैंने फला के लिए डाली है क्योंकि तो वो जो है ना वो यानी कि जब मैं व्हाट्सएप की बात कर रही हूँ कि वो उन्होंने आपके लिए स्टोरियाँ डाली होती हैं ग्रुप आ, फैमिली ग्रुप्स में जो है वो आपके लिए डाल रहे होते हैं आप उनके लिए डाल रहे होते हैं <laughs> ये इतने बच गारा हरकत और सीरियसली अपनी लाइफ से जा... आज आप एक काम करें मेरी मेरी बात पर यकीन रखें आपको लगता है कि जैसे मैं एक फर्ज कर लेना एक फैमिली ग्रुप है फैमिली ग्रुप में आपकी नंदे भी हैं या आपका एक फैमिली ग्रुप क्योंकि प्रॉब्लम्स नंदों के साथ स्टार्ट होती हैं और प्रॉब्लम स्टार्ट होती है भाभीियों के साथ इस टाइप की चीज़ होती है तो फैमिली ग्रुप पता नहीं लोग क्यों बना लेते हैं मेरा ग्रुप में सिर्फ एक फैमिली ग्रुप है जिसमें मेरे दो बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड है और वो भी हम जब बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहे होते हैं हम उस पर कह रहे होते हैं एक फैमिली ग्रुप है जिसमें मेरी सिर्फ दो बहनें हैं और वो भी ये होता है कि हम जैसे कोई इस्लामी चीज़ शेयर कर ली कोई इंपॉर्टेंट बात उसमें शेयर कर ली और कोई बात का टाइम ही नहीं क्योंकि मेरी दोनों बहनें जॉब करती हैं फारे लोगों का काम होता है सारा दिन स्टेटस लगाना सारा दिन गुड मॉर्निंग्स भेजते रहना और सारा दिन गुड नाइट भेजते रहना और स्टेटस लगाते रहना अच्छा स्टेटस है कुरान पाक पढ़ने कोई अच्छी दिस मिल गई वो डाल दी वो एक अलग चीज़ है बट एक दूसरे के लिए करना इससे बहुत बेहतर है कि उन लोगों को ब्लॉक करें उस ग्रुप्स को छोड़ दें और आप अपनी ज़िंदगी आसान बना लें आप इतने मेंटल रिलीफ फील होगा ना कि हाये अल्लाह मैंने तो कितना फजूल टाइम लगा दिया इन लोगों के ऊपर इनकी स्टोरियाँ देखने की ये मेरे लिए था अच्छा ये मेरे लिए था उससे बहुत बेहतर है कि आप ना इन लोगों की स्टोरीज चेक करना तो बहुत दूर की बात है उनको ब्लॉक कर दें नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज गेट अप अर्ली गेट अप अर्ली के लिए मैं आप लोगों को इतना फोर्स करती हूँ ना अभी तो खैर रमज़ान है आप लोगों के पास इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है शहरी के लिए उठते हैं ना उसके बाद मत सोया करें अपने वो सारा टाइम ना शहरी से लेके जो बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है क्योंकि बच्चों के स्कूल खुले हुए वो टाइम ना अपना प्रोडक्टिविटी पे लगा दें आज मैंने ये करना है ये करना है ये करना है और फिर ये देखिए यही रूटीन को आप जारी रखें शहरी के लिए आप नहीं उठ सकते हैं ना तो फजर के लिए उठ जाया करें फजर होती है तकरीबन अराउंड फाइव ओ ठीक है ना तो आपने काम कर लेना है कि आपने इसके बाद जो है ना आप ज्यादा कर लें तो अगर आप साढ़े उठ रहे थे तो आप एक घंटा पहले साढ़े बजे उठ जाएं फजर पढ़ लें अपनी ठीक है कुरान पाक का एक जो है ना आप आ, 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 मतलब जितनी आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं दो पेजेस पढ़ सकते हैं तीन पेजेस पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें और उसके बाद अपने दिन का सारा जैसे स्कैजल बना लें मैंने पूरा सीरियसली अभी उठी हूँ मैं मैंने नमाज पढ़ी थी उसके बाद मैंने अपना सारा स्कैजल बना लिया अपना कुरान पाक पढ़ा अलहमद से मैंने अपने सिपारे मैंने आपको बताया मैंने ना कुरान अरबी में अलग स्टार्ट किया हुआ है और कुरान अलग किया हुआ है वो सारे मैंने किए और उसके बाद मैंने अपनी पूरी लिस्ट बनाई अफ्तारी में क्या बनाना है ये करना है अपने ब्लॉग में क्या करना है मैंने जो जो काम है वो सारे के सारे मैंने उसमें लिख लिए तो आपने अपनी जो लाइफ है ना उसमें एक घंटा पहले उठ के रात को एक घंटा पहले सो के अपनी लाइफ को चेंज करना है ताकि आपका दिन बड़ा ऑर्गेनाइज हो आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज हो सिक्स मंथ्स में बिलीव मी आप अपने आप में जितना बड़ा चेंज मुझे आजकल बहुत मैसेजेस आते हैं कि हम आपके सारे सारे टिप्स फॉलो करते हैं एंड हमारी जिंदगी में इतना चेंज आया कि मेरे हस्बैंड और हमारी फैमिली तक फील करती है तो ये वाला ना जो आज का जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क ऑन इट वर्क ऑन योर सेल्फ गेट अप मतलब ये कि सुबह उठे ना रात के कपड़े अपने अलग रखे हुए होते हैं पजामा हो सकता है टी शर्ट हो सकती है कुछ भी हो सकता है सुबह उठें अच्छे वही कपड़े पहने या कोई अच्छे कपड़े पहन लें अच्छे से बाल बना लें मेरे वॉशरूम मेरे ड्रेसिंग पे मेरा ब्रश पड़ा होता है मैं उठती हूँ मैं मुँह हाथ होती हूँ मैं अपने बालों को कंघी करके अपने बाल टाई कर लेती हूँ जो मेरा स्किन केयर का होता है मैं वो अपना स्किन केयर कर लेती हूँ और उसके बाद में एक अच्छी सी जो है ना आजकल तो रमज़ान है मैं सिर्फ एक लिबाम लगा देती हूँ लेकिन यह कि मैं आ, एक अच्छी सी लिपस्टिक नॉर्मल डेज में लगा लेती हूँ तो उससे क्या होता है कि मैं जब न, सुबह अपने आप को एकदम फ्रेश फील तभी करूँगी ना कि जब मैं एक अच्छी सी हुलिए में बाहर आऊंगी लेकिन अगर आप सोचें कि मैं मुंह धोके तो सर झाड़ मुंह पहाड़ों बाल बिखरे हुए और आके मैं बैठ गई हूँ तो मैं अपने दिन का किस तरह से स्टार्ट कर रही हूँ नो इट्स अ वेरी पैथेटिक वे टू स्टार्ट योर डे आपने सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है दैट इज अपना मुँह हाथोया अपने बाल बालकंगी किए अपने स्किन केयर किया इसमें हार्डली दस मिनट भी नहीं रखते और एक अच्छी सी प्यारी सी लिपस्टिक लगा दी मैं मेकअप की बात नहीं करी लिपस्टिक की बात कर रही हूँ एक अच्छी सी लिपस्टिक लगा ली वो क्यों क्योंकि आप एक बड़ा फ्रेश फील करना शुरू करेंगे अपनी स्किन पर ना मेकअप की लेयर्स लगा के ना उसको ख़राब नहीं करें प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपनी स्किन पर क्या करती हैं मैं बिलीव में अपनी स्किन केयर करती हूँ मेरा ये मानना है कि, कि मैं कर रही होती हूँ तो मैं अपनी स्किन पे कभी होता है वेरी रेयर ये होता है कि मैं अगर मैंने जो है ना कंसीलर लगाया अदरवाइज नो फाउंडेशन मेरे फाउंडेशन पड़े ही रहते हैं मैं बाहर भी जाती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा कंसीलर लगा लेती हूँ वो भी आंखों के नीचे वैसे मेरे हल्के वगैरह कुछ भी नहीं तो वो क्या है अपनी अपने आप का अपना ख्याल रखने का एक बेस्ट तरीका और गेस्ट गेट ड्रेस्ड अप मतलब ये कि आपने अपना सुबह का आगाज इतना फ्रेश कर लिया आपके हस्बैंड आएंगे कहेंगे वाह मेरी बीवी तो कितनी अच्छी सुबह फ्रेश बैठी ना कि वो भुनी भी ब, 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 कहते जो पंजाबी उधर इसी तरह बात करती हूँ आप लोग जब से मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स आपको पता है मैं एक वक्त में दो तीन जबाने बोल रही होती हूँ बट द थिंग इज इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपने अपनी लुक्स का बहुत ख्याल रखना है ताकि आपकी आपको आदत हो कि मैंने इस तरह से रहना है छः महीने बाद वो आपकी आदत बन जाएगी जब आप छः महीने अपने आप को सुबह उठ के इतना फ्रेश करके रखेंगे ना तो वो आपकी आदत डिवेलप हो जाएगी बिल्ट इन हो जाएगी आप में नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैं जल्दी जल्दी से बताऊंगी दैट इज जर्नलिंग जर्नलिंग होता है कि आप अपनी जो भी माइंड में होता है उसको लिख लिया करें जो चीज़ आप प्लान करते हैं उसको लिख लिया करें जो चीज़ आपने आगे का आगे जिंदगी का बच्चों का जो प्लान बनाया जो उनकी स्टडीज का प्लान बनाया वो सारी चीज़ें लिख लिया करें वेरी हेल्दी थिंग आप भूलेंगे नहीं मैं जब डेली बेसिस पे प्लान बनाती हूं ना तो कहां पर पूरे like, पूरे छः महीने का चार महीने का तीन महीने का प्लान बनाए अपनी जर्नलिंग किया करें वो वेरी हेल्थी थिंग है और आप चीजें भूलेंगे नहीं वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज एक्सरसाइज ऑन वॉक वॉक मैंने स्टार्ट करती है आप लोग भी मेरे साथ स्टार्ट करते हैं एंड एक्सरसाइज में सोच रही हूँ कि इन शाला अब मैं करूँगी इस फजर के बाद जो है ना अपनी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लिया करूंगी एक पंद्रह बीस मिनट की ताकि बॉडी जो है ना टोन होना शुरू हो जाए और मे बी आई विल जॉइन अ जिम लेकिन दैट सी अभी तक कन्फर्म नहीं है कि मैं जिम ज्वाइन करूंगी या नहीं बट अपने आप पर काम करें एक्सरसाइज करें सुबह योगा कर लें कोई भी प्लाटेज कर लें कोई भी एक्सरसाइज कर लें कार्डियो कर लें एंड रात को अफ्तारी के बाद जो है ना मैं वॉक करने जाती हूँ तो वॉक कर लें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने अपनी अपनी ये हैबिट जो है ना वो जरूर डेवलप करनी है लास्ट बट नॉट लीस्ट इज बी द पर्सन यू ऑलवेज वॉन्टेड कैन बी एनी थिंग आपको अगर सिलाई कढ़ाई अच्छी लगती है तो वो 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 सीखना शुरू कर दें कोई कुकिंग का शौक है वो वो उसको इम्प्रूव करना शुरू कर दें सिक्स मंथ्स में आपने अपने आपको टारगेट देना है कि मैंने अपनी कुकिंग अच्छी कर देनी है अपनी बेकिंग अच्छी कर लेनी है uh, क्योंकि बहुत से बिगनर्स हैं आप लोग मुझे बहुत मैसेजेस करते हैं कि uh, प्लीज़ आप ही हमें बता दें कि किस तरह से बेकिंग करते हैं तो मैं आप लोगों के साथ बेकिंग की रेसिपीज भी शेयर करती हूँ बट मैं भी बिगनर थी मैंने खुद सीखी मैंने किसी से नहीं सीखी किताबों से मैगजीन से बेकिंग की कुकिंग की ये सब कुछ निकाला है और अगर आप कोई हुनर सीखना चाहते हैं गो फॉर इट ये छः महीने का टाइम अपने आप को दें कि मैंने अपने ना छः महीने का मैंने अपनी ज़िंदगी चेंज कर देनी है मैंने अपनी पुरानी सारी ओल्ड हैबिट्स को ना एक साइड पर करना है परे मारना है और मैंने अपने आप को एक नया इंसान बना के सामने लेकर करा So, देखें एक बात हमेशा याद रखें ये एक टैग लाइन है दिस इज़ योर ओनली लाइफ ये अल्लाह ने आपको एक ही जिंदगी दी है और इसको बनाना सवारना बिगाड़ना गुस्से में गुजारना प्यार से गुजारना परेशानी में गुजारना वो आप पे खुद पे डिपेंड करता है तो आपने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा बना के रखना है अपनी छह महीने का टाइम में आपने अपनी जिंदगी बहुत प्यारी बनानी है बहुत अच्छी बनानी है बिलीव मी बहुत ही अच्छी बना के रखनी है तो सिक्स मंथ्स का ये तो कुछ पॉइंट्स थे इन शाह तला आगे मैं आप लोगों के साथ और भी कुछ चीज चीज़ें शेयर करूँगी आपने अपने आप को सिक्स मंथ्स में ना बहुत डिफरेंट बना के दुनिया के सामने लेकर आना है और अपने लिए इनर सेल्फ के लिए बेस्ट होना चाहिए तो खैर आज मैं आपको बता दूं थोड़ा व्लॉग की तरफ मैं बना रही थी पकोड़े नॉर्मल सिंपल ब, ब, जो है वो व्लॉग था आज कुकिंग में और मैंने जो है ना वो पानी फुल्की बनाई थी जो कि मुझे लग रहा था कि मैंने सोडा की क्वांटिटी थोड़ी कम डाली थी तो इतने फूले नहीं और वो मेरे मेरे और मेरी बेटी का खैर बड़ा ही फेवरेट है और दही भले बनाए थे नॉर्मल सिंपल सी मैंने अफतारी बनाई थी आज और क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे था कि चलो बस आज सिंपल सी अफ्तारी कर लेते यू नो आप समडेज आपका आ, थोड़ा सा ड्रेन होना शुरू हो जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया मैं सिर्फ अफतारी करती हूँ मैं सैरी नहीं करती तो उससे ये होता है कि पानी पी लूँ तो एक अलग बात है लेकिन मुझसे सैरी नहीं खाई जाती मैं जब वो खा लेती ना तो पूरा दिन मुझे एसिडिटी रहती है तो अब मुझे अपनी सेहत का भी देखना है ना कि मैं अगर वो एसिडिटी में ही सारा दिन गुजार लूंगी तो फिर मुझसे कोई काम नहीं होता तो काफी अरसा हो गया मैं अपनी नहीं करती लेकिन ये कि थोड़ा विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी सी वीकनेस हो जाती है ना तो आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी तो मुझे था कि चलो आज मैं सिंपल सी इफ्तारी बनाती हूं एंड uh, और खाना वगैरह मैं कभी कभी बना लेती हूँ बीच में क्योंकि वो खाया ही नहीं जाता और फ्रिज में पड़ा ही रहता है जो सालन बने हुए होते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड थे तो वो खाते थे शहरी में सालन वगैरह लेकिन बच्चे जो है ना वो मेरे बिल्कुल भी नहीं खाते तो फिर मुझे होता कि यार मैं क्या बनाऊँ इससे बेहतर है कि वो जो इस तरह की चीज़ें बना लूँ स्नैक टाइम आता है कि सालन आसानी से बन जाता है स्नैक्स जो है ना वो मुश्किल से बनते हैं समटाइम्स मैं बेकिंग कर रही होती हूँ और बिलीव मी उस दिन मैं पिज्जा पिज्जा बना रही थी उसकी मेरे वीडियो ही नहीं बनाई मेरे ओवन के जो प्लग्स थे वो दोनों उड़ गए और वो तो शुक्र है कि मेरा ओवन जो है अभी तक मेरे खैर चेक नहीं किया उसके बाद कि ओवन काम करा है कि नहीं फिर मैंने वो पिजाज नीचे गैस ओवन पे बनाए बन तो अच्छे गए थे बट ये है कि परेशानी मैंने देखी तो ये भी होता है कभी कभी ना रमजान में आपको एक एग्जैक्ट टाइम पे खाना देना होता है खैर ये था मेरा आज का व्लॉग उम्मीद है पसंद आया होगा पसंद आता है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह टुमारो टिल देन टेक केयर एंड